यहाँ पैकेट को फाड़ लेते हैं, यहाँ पे ये नट भी खोल लेते हैं, ये नट भी। उसको बाद गर्म पानी से और रेती से इसको अच्छे से क्लीन। हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ से खोल लेंगे। दोस्तों हमारे पास एक इन्वर्टर है 600 AV का है, अभी इसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये प्रॉब्लम है दोस्तों इससे जो हमारा 600 वाट का इन्वर्टर है दोस्तों इसमें सिर्फ 4 पंखा ही चल पा रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 7-8 पंखा चलाना है, हम लोग क्या करेंगे इसको चेंज करके ये नया इन्वर्टर लगाएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे सुपर पावर करके एक इन्वर्टर है, माइक्रोटेक कंपनी का है, ठीक है। किसका है? माइक्रोटेक कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर की बात करें दोस्तों तो MTKAE11H है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सीरियल नंबर है इसका। दोस्तों डब्बे की जो MRP प्राइस पड़ी हुई है दोस्तों 9,690 रुपये प्राइस पड़ा हुआ है, 2022 मॉडल है, ठीक है। अभी दोस्तों ये हमारा कितने पावर का है वो हमको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एडवांस डिजिटल 1112 वोल्ट का है, ठीक है। और ये वारंटी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमें 2 साल की कंपनी ने वारंटी दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले अनबॉक्सिंग करके इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पैकेट को फाड़ लेते हैं। दोस्तों इसको पैकेट को जब आप फाड़ेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक वारंटी कार्ड मिलेगा, ये देख लीजिए कंपनी से एक वारंटी कार्ड मिलेगा माइक्रोटेक UPS। यहाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए 2 ईयर वारंटी लिखा हुआ है, यहाँ देख 2 ईयर नंबर लिस्ट कंपनी वारंटी दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पर ये नंबर, ठीक है, ये वारंटी कार्ड है, इसको हम लोग अब बाहर कर लेते हैं इन्वर्टर को। यहाँ पे इन्वर्टर को हम लोग बाहर कर लिया है और इन्वर्टर में हमें क्या क्या फंक्शन चलिए वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे दोस्तों माइक्रोटेक लिखा हुआ है, एक यहाँ पर स्विच दिया हुआ है सुपर पावर करके है, यहाँ पे दोस्तों मेन ऑन है, यहाँ पर दोस्तों UPS ऑन। आपकी जो सप्लाई आएगी मेन जलेगा और आपका चार्जिंग जलेगा, ये हमारा UPS का है। जब लाइट कट जाएगी UPS ऑन शो करेगा। इधर दोस्तों ओवरलोड का मतलब जैसे 1100 वाट से ज़्यादा हमारा जब ओवरलोड इससे ज़्यादा पावर जाएगा तो हमारा ओवरलोड शो करेगा। यहाँ बैटरी लो का इंडिकेट करेगा, CV ट्रिप का मतलब होता है दोस्तों, जब पहले के समय में फ्यूज लगे रहते थे, अभी क्या है कि फ्यूज को हटा के एक CV ट्रिप का स्विच दे दिया गया है, वो यहाँ आपको दिखाते हैं। बैक साइड की बात करें दोस्तों को, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर हमें पीछे देखेंगे तो एक 16 एम्पियर का प्लग मिलता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 16 एम्पियर का प्लग मिलता है, तो इस प्लग को यहाँ पे दोस्तों ये प्लग की लंबाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास दिख रही है और यहाँ पे दोस्तों 16 एम्पियर का प्लग दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल दिया हुआ है, यहाँ पे यानी लाइन जुड़ेगा और हमारा यहाँ पे न्यूट्रल जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये बड़ा वाला अर्थ का है। उसके बाद यहाँ पर जो वायर दिया दोस्तों 10 AM का वायर दिया हुआ है और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे जो लगा हुआ है। कुछ इसके फीचर्स हैं दोस्तों, बता देते हैं क्या करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये 16 एम्पियर का AC आउटपुट है दोस्तों, यहाँ से AC सप्लाई हमें आउटपुट मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे आउटपुट रिस्टार्ट दिया हुआ है, जब दोस्तों इसमें कोई फॉल्ट या कोई दिक्कत आ जाएगा ये हमारा जो स्विच है दोस्तों ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ये हमारा बीप का आवाज़ करेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो CV ट्रिप का स्विच दिया हुआ है, ये जो CV ट्रिप का स्विच दिया हुआ है दोस्तों, ये इंडिकेट करेगा जब कोई फॉल्ट इन्वर्टर में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको सिंपल स्विच नहीं करना है, आप ये स्विच को फिर से आके यहाँ पुश कर देंगे फिर ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर एक फैन दिया हुआ है जो कि DC फैन है, ये कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, जब अंदर का हीट सिंक हीट होगा तब चलेगा, ठीक है। इसके कुछ फंक्शन दिए हैं दोस्तों, वह आपको बताएंगे, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए फिर आपको पता। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ओल्ड इन्वर्टर को खोल लेते हैं। यहाँ ओल्ड इन्वर्टर को हम लोग खोल लेते हैं। दबा दिया ना तुमने, हो गया। दोस्तों ये हमारी बैटरी है 180 AH की बैटरी है और इस पर हम लोग क्या लगाएंगे, 1100 VA का इन्वर्टर लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कितना सारा कार्बन लगा हुआ है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले बैटरी को नट को खोल लेंगे और इसको पहले हम गर्म पानी से क्या करेंगे, इसको क्लीन कर देंगे। हमारा जो बैटरी का बैकअप हमें फुल मिलेगा, यानी 100 में से 99 पॉइंट हमें बैकअप मिलेगा। सही है, पहले गर्म पानी इसको हम लोग। दोस्तों हमने यहाँ पानी को गर्म कर लिया है, यहाँ आप देख लीजिए पानी को हल्का गर्म करके गर्म कर लिए हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इसको नट को खोल लेते हैं, यहाँ पर ये दोनों नट को खोल लेते हैं। दोस्तों ने इस पर हम लोग क्या करेंगे, नया नट लगाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, गर्म पानी में लेते हैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से क्लीन कर देंगे। इसको कार्बन को साफ कर रहे हैं तो पानी का रंग इस तरह किस तरह हो गया है,
तो अभी हम लोग इसको सब पूरा क्लीन कर देते हैं और एक इसको बैटरी को भी थोड़ा क्लीन कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ये गंदा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे थोड़ा क्लीन कर देंगे, साफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बैटरी का पानी का वाटर लेवल भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो बैटरी का पानी है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसका जो इंडिकेटर है एकदम डाउन हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे पानी को भी यहाँ पर भरेंगे अच्छे से। दोस्तों यहाँ बैटरी को हम लोग ने बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लेड है, ये देख लीजिए, इधर हमारे पास एक एक्स्ट्रा ब्लेड है। इस ब्लेड को हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ से खोल लेंगे। दोस्तों खोलने के बाद ब्लेड को क्या कर लेंगे, हम लोग बाहर कर लेते हैं। बाहर करने के बाद इसको इस टर्मिनल को आप देख लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव वालों को और निगेटिव को ध्यान नहीं, ये दोनों आपस में टच ना हो। अभी हम लोग क्या करेंगे एकदम बिल्कुल क्लीन करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कितना कार्बन लगा हुआ है। क्लीन हो जा रहा, जो भी कार्बन है यहाँ क्या हो जाएगा हमारा साफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों इसको भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दे रहे हैं और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्लीन कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा कम कार्बन लगा हुआ है, निगेटिव थोड़ा कम लगता है, पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये हमारा हो गया इस तरह से। अभी दोस्तों हम लोग इसको क्लीन कर लिए हैं, क्लीन करने के बाद कपड़े से एक बार हम लोग क्या करेंगे फिर से इसको साफ कर लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये नया इन्वर्टर को ओल्ड इन्वर्टर को हम लोग क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला तार जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों कार्बन खा के नट खराब हो गया था इस टर्मिनल पे, ध्यान दीजिए। तो अभी क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, नया नट लाए हैं, इसको हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों वो जो पुराना नट था वो काफी जंग लग चुका था, तो यहाँ से हटा देते हैं उस नट को और हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों, नया नट लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए नट को हमने बिल्कुल टाइट कर दिया है। अभी दोस्तों इसमें क्या करना है, हम लोग को ग्रीस लगाना है। क्या लगा, तो अभी हमारे पास क्या ग्रीस नहीं है, तो इमरजेंसी हम लोग यहाँ पर एक पाउंड से 10 रुपए का मंगाए हैं, तो इसको भी आप लगा देंगे तो भी हमारा क्या होगा, जो कार्बन है वो नहीं जमेगा। तो अभी हम लोग पूरा क्रीम को क्या करते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। लगाते क्यों दोस्तों, इसको लगाने दोस्तों हमारा जो कार्बन होता है वो नहीं जमेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी तो हमारा यहाँ पर कार्बन नहीं जमेगा, यानी ठीक है यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, नट भी जल्दी हमारा ख़राब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप कोशिश ये करिएगा ग्रीस लगाना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ दोस्तों इसको लगा दिया है, अभी क्या करेंगे दोस्तों, हमने इन्वर्टर को सेटअप कर दिया है और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थोड़ा जुआड़ का काम है दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही वायर को लिया है, एक वायर को लिया है, ये न्यूट्रल हो गया दोस्तों, ये हमारा फेस हो गया, और जो दोस्तों ग्रीन वाला अर्थ था इसको हमने इन्वर्टर मान लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, जो यहाँ पर ये प्लग है दोस्तों, इस प्लग को हम लोग यहाँ पीछे देख लीजिए, यहाँ पर पीछे इस तरह से लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों चार्जिंग वाला जो प्लग है हम लोग यहाँ पे इसको लगा देंगे, ये देख लीजिए यहाँ पे हम लोग चार्जिंग वाला प्लग को अच्छे, हमारा यहाँ पे यूपीएस सिस्टम ऑन हो गया है, यहाँ पे देख लीजिए यूपीएस सिस्टम हमारा ऑन हो गया है। और दोस्तों अभी हम लोग सप्लाई को चालू करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सप्लाई को चालू करते, इसको चालू कर देंगे तो हमारा यहाँ पे मेन चालू हो गया और दोस्तों हमारा यहाँ पे चार्जिंग शो करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद यहाँ ओवरलोड, बैटरी लो और सीवी ट्रिप, ये तीन सिस्टम है, बाद में बताएगा ये सीवी ट्रिप का मतलब, जब इसमें कोई फॉल्ट आएगा तब सीवी ट्रिप का ऑप्शन देगा और लाइट रेड कलर के ब्लिंक करेगा, ठीक है। अभी दोस्तों इसको कुछ फीचर आपको बताओ, हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो देखने दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।